हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बायोलॉजी क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी प्लांट किंगडम के एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सब अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग एंजियोस्पर्म डिस्कस करेंगे। बेसिकली पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होता है, मेल, फीमेल, कार्पेल, स्टेमन और ओव्यूल, डबल फर्टिलाइजेशन, इन सबको अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे, फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म में अगर मैं बताऊँ तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब एंजियोस्पर्म्स में आ जाते हैं। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है, जितने भी फ्लावर्स हम देखते हैं वो सारे जो प्लांट्स होते हैं वो सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। लार्ज ग्रुप जितने भी हमने प्लांट किंगडम की कैटेगरीज पढ़ी हैं, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, उन सब में सबसे बड़ा किंगडम जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स आते हैं, वो एंजियोस्पर्म होता है। इसके अंदर स्मॉलेस्ट वॉल्फिया से लेकर टॉलेस्ट ट्री यूकेलिप्टस भी एंजियोस्पर्म में आता है। यूकेलिप्टस जो है 100 मीटर तक होता है, तो ये टॉलेस्ट ट्री है। और सबसे छोटा जैसे इस इमेज में दिख रहे हैं वॉल्फिया, वो भी एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम इसकी डिस्क्राइब करते हैं प्लांट बॉडी। सो जैसे इस फ्लावर में हम देखते हैं जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसे सेपल बोलते हैं, और जो कलर्ड पार्ट होता है वो पेटल्स होता है, और नीचे का जो होता है वो रिसेप्टिकल होता है, राइट? तो ये होप आपको ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन देखते हैं। फ्लावर का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो स्टेमन होता है। इस स्टेमन को हम अच्छे से डायग्रामेटिकली बड़ा करके हम इसको समझते हैं। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है, जो स्टेमन होता है इसके सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जैसा इस एरो के थ्रू शो हो रहा है, उसे बोलते हैं फाइलामेंट। और फाइलामेंट के ऊपर अगर हम येलो कलर का पोर्शन देखते हैं तो फाइलामेंट के टिप पे होता है एंथर, राइट? तो ये एंथर होता है जो जिसके अंदर पोलन मदर सेल्स होते हैं, और वो मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो वो जो पोलन ग्रेन है वो बेसिकली एंथर पर होते हैं, जो आगे चल के हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन में, जिसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको स्टेमन का डायग्राम समझ में आ गया है, जिसमें इस लॉन्ग सिलेंडर लाइक शेप को बोलते हैं फाइलामेंट, और टिप पर होता है एंथर, और एंथर में प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। ये पोलन मदर सेल्स को डिवाइड कर माइक्रोस्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो मैच्योर होकर पोलन ग्रेन बनते हैं। तो अब यहाँ से मेल सेक्स ऑर्गन आपको अच्छे से समझ में आ गया है फ्लावर का। नेक्स्ट हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को फ्लावर के समझ लेते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं पिस्टिल, राइट? जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है पिस्टिल या कार्पल, इस टाइप का डायग्राम होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का। इसमें जो सबसे नीचे अगर आप देखेंगे, जो स्वॉलन पार्ट है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है बेस में, उसको बोला जाता है ओवरी, राइट? इस एरो के थ्रू जो है यहाँ पे आपको ओवरी शो हो रही है। स्वॉलन पार्ट होता है बेस में, उसको ओवरी कहा जाता है। और इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। जैसे ये ब्लैक कलर के जो सर्कल्स हैं वो सब क्या है? ओव्यूल्स हैं। तो ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा अगर हम ऊपर चलेंगे तो देखेंगे एक लॉन्ग सिलेंडर होता है जिसको बोलते हैं स्टाइल, और सबसे टिप पर होता है स्टिग्मा। तो होप यहां से आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर, उसको पिस्टिल जिसे कहते हैं या कार्पेल जिसे कहते हैं, वो अच्छे से क्लियर हो गया है। उसके बाद यहां पर हम इस फ्लावर में देख लेते हैं दोनों चीजें अच्छे से कि कैसे कैसे चीजें जो है इसके अंदर अटैच होती हैं। तो जैसे मैंने आपको मेल सेक्स ऑर्गन बताया स्टेमन, स्टेमन के सबसे ऊपर टिप पर जो है ये एंथर होता है, और नीचे फाइलामेंट होती है। एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा फीमेल सेक्स ऑर्गन जो बीच में है वो कार्पेल है, टिप पर उसकी स्टिग्मा होती है। लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे स्टाइल बोलते हैं, और सबसे नीचे जो स्वॉलन पार्ट है बेस में उसे ओवरी बोलते हैं, और इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स। तो बेसिकली जो ओव्यूल्स हैं और जो पोलन ग्रेन्स है वो आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम एक साइंटिफिक टर्म में एक फ्लावर की डेफिनेशन समझ में आ जाती है। फ्लावर की डेफिनेशन ये हो सकती है कि जिसमें पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स दोनों ही एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो, उस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को फ्लावर बोला जाता है। तो ये एक साइंटिफिक टर्म है, डिफाइनेशन है फ्लावर की, जिसमें पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स दोनों एक ही चीजों में होते हैं, राइट? इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स एंजियोस्पर्म की है कि सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज होते हैं। जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में ही पढ़ा था कि सीड्स नेकड होते थे, एक्सपोज होते थे, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर कवर होते हैं। तो होप यहाँ से आपको अच्छे से पूरी जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर होप यहाँ से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम अब ओव्यूल
ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर चलते हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे हमने फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी पढ़ा था, ओवरी के अंदर हमने ओव्यूल पढ़ा था, तो यहाँ पे हम अच्छे से डायग्रामेटिकली हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझेंगे कि ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे यहाँ आपको शो हो रहा है, बाहर का जो स्वोलन पार्ट है ओवरी है, और ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल है, जो ब्लैक कलर का सर्कल है जो एरो के थ्रू शो हो रहा है ओव्यूल है। इसको समझ लेते हैं हम। ईच ओव्यूल हैज़ मेगास्पोर मदर सेल। हर ओव्यूल के अंदर जो रेड कलर का पोर्शन है, यहाँ से आपको दिख रहा है रेड कलर का जो पोर्शन है उसको बोला जाता है मेगास्पोर मदर सेल। जैसा इस इमेज में भी आपको शो हो रहा है, इस ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल है। उसके बाद जो ये मेगास्पोर मदर सेल होता है वो मियोसिस के थ्रू रिडक्शन होता है। माइटोसिस और मियोसिस ये दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो है मियोसिस होगा, और मियोसिस जब भी होता है तो ध्यान रखेंगे कि फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा कुछ हमने जो है जिम्नोस्पर्म्स में ही पढ़ा था, तो अच्छे से अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस के थ्रू फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में कन्वर्ट होते हैं, चार मेगास्पोर्स बनते हैं। उन चार मेगास्पोर्स में से जो तीन मेगास्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो डिवाइड होकर बनता है एम्ब्रियो सैक। तो होप यहाँ से आपको एम्ब्रियो सैक अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार हम इमेज में देखते हैं, तो ये थर्ड नंबर की जो इमेज है वो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर ये एम्ब्रियो सैक बन जाता है, राइट। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर कई सारी चीजें हैं, अगर आप देख रहे हैं एरो के थ्रू शो हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखते हैं एम्ब्रियो सैक हैज एग अपरेटस, राइट। ऊपर जो हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली एग एपरेटस होती हैं जो एम्ब्रियो सैक के अंदर होती हैं। अब इस एग एपरेटस को एक बार हम बड़ा करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हर चीज़ आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझाई जाएगी और डायग्रामेटिकली भी समझाई जाएगी, ताकि आप उसको आगे तक उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपनी रख सकें। तो यहाँ पर अब हम बड़ा करके देखते हैं एग एपरेटस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। येलो कलर का जो देख रहे हैं एक एग सेल होता है, वन एग सेल होते हैं। जो रेड कलर के हैं उनको बोला जाता है साइनर्जिट्स, टू सेल्स जो है साइनर्जिट्स होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और जो नीचे थ्री हैं वो थ्री एंटीपोडल सेल्स होते हैं। बहुत बार, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि एग एपरेटस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको इनका नाम याद रखने के साथ साथ इनके नंबर्स भी याद रखने होंगे कि वन एग सेल होता है, टू साइनर्जिट्स होते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एंड जो थ्री एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ये बेसिकली एग एपरेटस का पार्ट है ये सारी चीज़ें, राइट। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं जो सेंटर में आपको दिख रही हैं, ये फ्यूज़ हो जाती हैं आपस में और एक ये स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, और उसको बोला जाता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये इसका नाम है जो टू पोलर न्यूक्लियाई के थ्रू ये जनरेट होती हैं फ्यूज़ होकर। तो होप यहाँ से आपको अच्छे से डायग्रामेटिकली और फ्लो चार्ट के थ्रू भी पूरा स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल का मैंने यहाँ आपको समझाया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और एक बार सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट हम इसके अब रिप्रोडक्शन पे चलते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं, हमने पढ़ा था एक मेल सेक्स ऑर्गेन होता है एंजियोस्पर्म में, स्टेमन, कुछ इस टाइप का हमने डायग्राम पढ़ा था स्टेमन का, जिसमें सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइलामेंट, और जो टिप्पर होता है एंथर, राइट। तो इसका जो बेसिकली जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा एंथर के थ्रू होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एंथर में क्या प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन। इस इमेज में भी आपको दिख रहा है ये जो एंथर के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोला जाता है पोलन ग्रेन। इसी तरह से जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको पिस्टिल बोला जाता है या कार्पल बोला जाता है। इस टाइप की कुछ इमेज हमने देखी थी पिस्टिल की, राइट, जिसमें हमने देखा था स्टाइल होता है और इसके अंदर जो है एग होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, एग सेल होता है, और सबसे टिप पर होता है स्टिग्मा, राइट। ये जो अब क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस में, जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर पर जो प्रोड्यूस हुए हैं, ये जो है स्टिग्मा की तरफ जाते हैं, या तो विंड के थ्रू जाएंगी या अदर एजेंसीज बोले तो फ्लाइज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, इंसेक्ट हो गए, वो जो है इसको पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लेकर जाते हैं स्टाइल की, राइट, कार्पेल की। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। तो ये बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द पिस्टिल, राइट। तो ये पूरा इस प्रोसेस यहाँ से होप क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो बेसिकली पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा पर और पोलन ट्यूब क्रिएट होती है। इस इमेज में हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ पोलन ग्रेन है, राइट, सबसे ऊपर पोलन ग्रेन है,
स्टिग्मा पर बेसिकली क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन आता है वो जर्मिनेट होता है और उससे पोलन ट्यूब क्रिएट होती है, और पोलन ट्यूब जो है वो डायरेक्ट ओव्यूल के अंदर जाती है, और ओव्यूल के अंदर हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक होता है, और इस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमिट्स होते हैं, राइट। यहाँ पर दो मेल गैमिट एम्ब्रियो सैक के अंदर जाते हैं, दो मेल गैमिट में से जो एक मेल गैमिट है, अगर हम फ्लो चार्ट पे देखते हैं, जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर एक तो एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है, राइट। इमेज में हम देखते हैं तो एग जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, इसी तरह से जो एग होता है वो मेल गैमिट के साथ जब फ्यूज़ होता है तो वो बनाता है जायगॉट, राइट। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी एक्चुअली हो गया फ्यूज़न ऑफ एग एंड मेल गैमिट टू फॉर्म जायगॉट। और जो दूसरा मेल गैमिट है, जैसे हमने पढ़े थे पोलन ट्यूब में दो मेल गैमिट आते हैं, जो दूसरा मेल गैमिट है वो क्या करता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या था, जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे एम्ब्रियो सैक के अंदर वो फ्यूज़ होकर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते थे, ये हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। तो बेसिकली जब ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब मेल गैमेट जो है फ्यूज़ होगा तो वो बनाएगा PEN। PEN बेसिकली क्या है, इट्स अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, राइट। तो ये जो, क्योंकि इसमें दो फ्यूज़न हो रहे हैं, एक एग का जायगॉट फॉर्म हो रहा है एंड डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से पैन फॉर्म हो रहा है, तो ये दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए दो फर्टिलाइजेशन की वजह से इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक यूनिक इवेंट है एंजियोस्पर्म में, ऐसा इवेंट किसी भी प्लांट किंगडम की कैटेगरी में नहीं होता। तो बेसिकली पूछा भी जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो वो होता है एंजियोस्पर्म में। तो होप ये पूरा प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन मैंने आपको अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझाया है और डायग्रामेटिकली भी समझाया है। नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद एंजियोस्पर्म में क्या होता है। तो इस वाली इमेज को बेसिकली आप थोड़ा सा पॉज करके इसको समझेंगे कि कैसे पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा में आया है, स्टिग्मा में फिर पोलन ट्यूब बनी है, पोलन ट्यूब जो है डायरेक्ट ओवरी के अंदर गई है, ओव्यूल के अंदर गई है, और इस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स हैं, राइट। तो हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था सिनगैमी। सिनगैमी में हमारे को एग के साथ फ्यूज होकर मेल गैमेट जायगॉट बना था एंड ट्रिपल फ्यूजन बना था जिसमें हमें मिला था PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। जो सिनगैमी से जो हमें जायगॉट मिला है बेसिकली, वो जो जायगॉट होगा वो आगे चल के डेवलप होगा एम्ब्रियो में, राइट। इस एम्ब्रियो के एक कॉटिलिडन भी हो सकता है जिसे मोनोकॉट बोलते हैं, या दो कॉटिलिडन्स हो सकते हैं जिसे डायकॉट बोलते हैं। मोनोकॉट डायकॉट को हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डिफरेंस उसका समझेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे हमें ये समझ में आया, इसके अलावा जो ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू हमें पैन मिला था, उस PEN वो है वो डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, राइट। इस एंडोस्पर्म का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है एम्ब्रियो को। तो होप ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जैसे हमें सिनगैमी में मेल गैमिट एग के साथ फ्यूज होकर जायगॉट बनाता है और जायगॉट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और ट्रिपल फ्यूजन में होता है जो है जिसमें हमें PEN मिला है वो PEN डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, राइट। इसको एक बार हम इमेज में भी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा है जो एग है और दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, एग से जायगॉट बना और जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होकर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर PEN क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये जो जायगॉट है, जायगॉट देन डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ और PEN डेवलप होकर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हुआ। पूरा इमेज में मैंने आपको अच्छे से शो कर दिया है यहाँ पे, होप समझ में आ रहा होगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप क्वेश्चंस जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी फ्लो चार्ट में भी मैंने आपको बताया कि जो एंडोस्पर्म है उसका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को, बिकॉज एम्ब्रियो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, उसको नरिशमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो बेसिकली इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये इसका फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बच जाता है ओव्यूल्स, जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हमने पढ़े थे वो आगे चलकर जो डेवलप हो जाते हैं सीड्स में। अगर इस इमेज में अगर हम देखते हैं, जैसा आपको दिख रहा है बाहर का पोर्शन जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज के अंदर जो सारे ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरीज जो है
वो डेवलप हो जाती हैं फ्रूट में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, सीड्स जो हैं वो एक्सपोज नहीं होते, वो खुले नहीं होते, वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। जैसा हमने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा था जिसमें सीड्स नेकड थे, बट इसमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। इसमें हमने जब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था साइनर्जिट्स होते हैं कुछ, और कुछ एंटीपोडल्स भी होते हैं। जो साइनर्जिट्स और एंटीपोडल सेल्स हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा हमने एग पढ़ा था, एग मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया, पोलर न्यूक्लियस भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गई, बच्चे हमारे पास साइनर्जिट्स और एंटीपोडल्स, तो वो डीजनरेट हो गए आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो होप ये पूरा प्रोसेस जो है अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। अच्छे से अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो मेरी इस वीडियो को बनता है, क्योंकि वीडियो बनाने में फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगती है, राइट। इसके अलावा हम अब चलते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट पे। जैसा मैंने आपको बताया था जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है कॉटिलिडन्स में, अगर दो कॉटिलिडन्स बनते हैं तो डाइकॉट हो जाता है, और अगर सिंगल कॉटिलिडन्स का एम्ब्रियो है तो वो मोनोकॉट कहलाता है। तो इसके बीच में डिफरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपको टेबल के थ्रू यहाँ पे फॉर्मेट को बताने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं डाइकॉट में। जैसे कि डाय मतलब होता है टू, कॉट मतलब कॉटिलिडन्स, राइट। तो वर्ड्स को अगर हम ब्रेक करके समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से हमें समझ में आएगा। इमेज के थ्रू हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है दो कॉटिलिडन्स हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो ये डायकॉट हो गया। डायकॉट वो होते हैं जिसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं, राइट। तो ये डायकॉट की इमेज है, डायकॉट सीड की इमेज है बेसिकली। नेक्स्ट हम चलते हैं मोनोकॉट में। मोनो मीन्स होता है सिंगल एंड कॉट मतलब होता है कॉटिलिडन। तो मोनोकॉट वो वाले सीड्स हो गए जिसके अंदर सिंगल कॉटिलिडन होता है। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है एक ही कॉटिलिडन है और उसको बोलेंगे मोनोकॉट। तो होप यहाँ पे हम अच्छे से जो है आपको इमेज के थ्रू भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरा एम ये होता है कि आपको रेटाफिकेशन ना करवा कर आपको इमेजेस के थ्रू पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आप पिक्चर्स देखते हैं तो वो आपके माइंड में जो है लॉन्ग टर्म में मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, आपको अच्छे से उसको आगे याद रखने में इतना डिफिकल्टी नहीं होती। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जो डायकॉट होता है उसका रेटिकुलेट वेनिशन होता है। जैसा इस इमेज में आपको दिख रहा है दो टाइप की लीव्स दिख रही हैं, एक लीव्स जो राइट साइड में है जिसमें जाल सा बना होता है वो होता है रेटिकुलेट वेनिएशन। वेनिएशन होता है पैटर्न्स कैसे अरेंज है। दूसरी तरफ अगर आप इसके लेफ्ट में देखेंगे तो पैरेलली जो है पैरेलल वेनिएशन है लीव्स में, तो जिसमें पैरेलल वेनिएशन होता है वो मोनोकॉट के एग्जांपल हो जाएंगे, रेटिकुलेट वेनिएशन हो जाएगा डायकॉट का एग्जांपल, राइट। जैसे देख रहे हैं डायकॉट में जो है पूरा जाल नेटवर्क बना होता है, जाल बना होता है, इस टाइप की जो लीव्स होती हैं उसमें रेटिकुलेट वेनिएशन होता है और वो एग्जांपल होगा डायकॉट का। इसी तरह से जो पैरेलली जिसमें वेनिएशन होता है, पैरेलली जिसमें स्ट्रक्चर या पैटर्न कह सकते हैं, वो जो होता है वो मोनोकॉट का एग्जांपल होता है। तो यहाँ से आपको पिक्चर के थ्रू भी अच्छे से क्लियर हो गया है रेटिकुलर वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन। नेक्स्ट चलते हैं डायकॉट पे। डायकॉट्स में क्या होता है कि टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लावर। जैसा सारी इमेजेस आपको दिख रही हैं, टेट्रामेरस में 4 फ्लावर्स होंगे, राइट, और पेंटामेरस में 5 फ्लावर्स होंगे। इसी तरह से जो मोनोकॉट होते हैं उसमें ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर्स में 3 फ्लावर्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस इमेज के थ्रू आपको इन पिक्चर्स के थ्रू सारे फ्लावर्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए। तो यहाँ से जो है होप अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हर वीडियो का MCQs मैं आपको दिखाऊंगी।